हम लोगों ने उनको रोकने की कोशिश करी। हम लोगों ने, हमारा जो प्रयास था वो बिल्कुल जो है सौहार्दपूर्ण था। हमने किसी भी प्रकार की जो है कोई लड़ाई झगड़ा ना ही, तो हमारे जो हिंदू धर्म सिखाता है लड़ाई झगड़ा करना, ना ही हमने प्रयास किया लड़ाई झगड़ने का। लेकिन जो है वो हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू रखी। प्रशासन ने हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि कुछ लड़कों ने जाने की कोशिश करी तो प्रशासन ने जो है धक्का मुक्की करी और कुछ लड़कों के ऊपर जो है एक आधे के ऊपर लाठी चार्ज भी किया। हम लोगों ने उनके धर्म का विरोध नहीं करना, हम लोग तो अपने हिंदू भाई बहन जो किसी भी उसमें मतलब कि लालच में आकर, छोटे लालच में आकर उस धर्म में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने तो उनकी धर्म वापसी, घर वापसी कराने का प्रयास करना था। कुछ लोगों ने वहां पर मिलके जो मेन रास्ता था चर्च के पहुंचने का, उसको बाधित कर दिया। वहां पे दरी बिछा के अपने धर्म विशेष के कीर्तन करने शुरू कर दिए। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आधी संगत अंदर चर्च के अंदर थी, आधी संगत बाहर थी, और उन लोगों ने उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने वहाँ पहुँच कर चर्च को पूरी सिक्योरिटी दी, हमारी मदद करी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उन लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ भी हाथापाई करी, पुलिस के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। हमारी चर्च की सिस्टर्स को मारा गया। ये भाई देखो इंजर्ड है। आप ये बताएं कि आप हमारे वॉलंटियर्स को पीटा गया, कलिसिया के लोगों को पीटा गया, मुझे हम पर जानलेवा हमले करे गए, धमकियां दी गई, और उनका ये प्लान था किसी ना किसी तरीके से मुख्य प्रचारक को रोका जाए और कलिसिया को खदेड़ा जाए। धर्म परिवर्तन कोई किसी का नहीं कर सकता। नंबर वन बात, लोग ये कहते हैं कि पैसे देकर ईसाई समुदाय धर्म परिवर्तन करता है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर 100 लोग हैं, 100 लोगों को मैं कितने कितने पैसे बांटूं? मेरे बैंक अकाउंट्स को चेक करा जाए, अरबों खरबों रुपया लग जाएगा अगर लोगों को पैसे बांटना शुरू कर दिया जाए। दूसरी बात, अगर पैसे बांट के भी किसी का धर्म परिवर्तन करा जाता है, अगर किसी को 500 रुपये 10,000 दे के ईसाई बनाया जाता है, तो कल आप उसे 15,000 दे के मुसलमान, हिंदू या किसी भी समुदाय में ले जा सकते हो। उसका कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ के ना भाई, हम लोगों को इसके लिए रहने वालों को परेशानियाँ हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। आज भी मेरी मैसेज से अभद्रता की गई, मेरे को धमकी दी गई कि ये मीडिया और ये प्रशासन चला जाएगा यहाँ से, तो उसके बाद में घर में से निकाल निकाल के मारेंगे। किस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं? गतिविधियाँ ये अंदर सत्संग होता है इनका, उसमें धर्म के लिए कुछ बातें बोली जाती हैं। इनका एक बंदा यहाँ पर 24 घंटे रहता है लड़का, वो हमारे भगवानों को गालियाँ देता है। क्या कहते हैं? तुम्हारा भोला ये है, तुम्हारा कृष्णा ये है। हम कहते हैं भाई तू अपने अपने मस्त रहे अंदर, हमारे बारे में तो अभद्रता मत करे। आज भी मेरे को धमकी दी गई है अभी थोड़ी देर पहले। हमें शिकायत मिली थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसकी हमने पड़ताल करी, ऐसा कुछ नहीं पाया, और एहतियातन हमने पुलिस को भी तैनात कर दिया था वहाँ पर, ताकि आपसी भिड़ंत किन्हीं लोगों के बीच में ना हो, और कोई भी मुद्दा नहीं था। हाँ ये जरूर था कि कॉन्ग्रीगेशन थी जिसके लिए इजाज़त नहीं ली गई थी, पुलिस से भी नहीं ली गई थी और हमसे भी नहीं ली गई थी, इसलिए उनको कॉन्ग्रीगेशन की बर्खास्त करवा दी गई थी। कोई धर्मांतरण की इजाज़त का नहीं हो रहा है, ना होगा बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती किसी भी तरीके की, धर्मांतरण ही क्यों, कोई भी काम जबरदस्ती किसी के साथ कभी हम नहीं होने देंगे जरा भी।